खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। राहुल गांधी को मंदिर में नहीं जाने देने के खिलाफ हुआ मौन सत्याग्रह। शहीद स्मारक पर कांग्रेसियों ने दिया धरना। असम में हुआ था घटनाक्रम। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष में जगमगाया अलवर और हुई महाआरती। जगह जगह आयोजनों की रही धूम। अलवर डेयरी में जारी है उठा पटक का दौर। 7 संचालकों ने इस्तीफे की पेशकश कर बैठक बुलाने की उठाई मांग। वहीं कुर्सी बचाने में जुटे विश्राम गुजर। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर घोष वादन के साथ निकला पथ संचलन। आदर्श विद्या मंदिर के विद्यार्थी हुए शामिल। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को असम में मंदिर में प्रवेश करने नहीं देने के विरोध में मंगलवार को शहर के शहीद स्मारक पर मौन सत्याग्रह किया गया। इसके तहत यहां मौन रहकर धरना दिया गया। इस मौके पर पूर्व सांसद डॉ. करण सिंह यादव, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी एवं बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं पूर्व सांसद डॉक्टर यादव ने सवाल उठाया कि क्या केवल नरेंद्र मोदी ही यह तय करेंगे कि किसे मंदिर में जाना है और किसे नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। देखिए, आज तो सारे शहर में, सारे देश भर में प्रबुद्ध जन और खासतौर पर कांग्रेस से जुड़े लोग इस बात का मौन सत्याग्रह कर रहे हैं कि क्या देश में धार्मिक स्वतंत्रता है या नहीं। लोगों को अपनी आस्था के अनुसार मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में जाने की अनुमति है या नहीं, या जिन्हें मोदी जी कहेंगे उसी हिसाब से जाना पड़ेगा। कौन कपड़े पहनेगा, कौन अचकन पहनेगा, कौन टोपी लगाएगा, कौन दाल रोटी खाएगा, कौन क्या खाएगा, इसका भी मोदी जी तय करेंगे क्या? क्या कारण थे कि कल राहुल जी को असम के अंदर मंदिर में जाने से रोका गया, सामने पुलिस तैनात कर दी गई। राहुल जी न्याय की यात्रा कर रहे हैं, तुम तो यहाँ पर राम मंदिर के नाम पे ढोंगरे चाह रहे हो। मंदिर निर्माण पूरा भी नहीं हुआ, लेकिन चुनाव को ध्यान में रखते हुए, टारगेट करते हुए आपने ये किया है कि अब चुनाव करें, अब मंदिर की घोषणा करें और दो चार दिन बाद में आंतरिक बजट लेके आवे और उसके बाद में चुनाव की घोषणा करके लोगों को सीधे मंदिर होते हुए और वोट के डब्बे में वोट डालने के लिए भेज दिया जाए। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष मिश्रा ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी को मंदिर में दर्शन नहीं करने देने से तानाशाही रवैया सामने आया है। मिश्रा ने बताया कि सभी जिला मुख्यालयों पर सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मौन सत्याग्रह का आयोजन एवं विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने न्याय यात्रा के काफिले पर हुए हमले को भी याद दिलाया। हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मान्य राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रखी है और असम में कल वो जब प्रातः 8 बजे एक मंदिर में ढोंग देने जा रहे थे तो वहाँ के प्रशासन ने और वहाँ की सरकार ने उन्हें मंदिर में जाने से रोक दिया, ताकि आप 3 बजे बाद आना। जैसे भगवान राम का पेटेंट तो हेमंत विश्व शर्मा सरकार ने और माननीय मोदी जी ने करा रखा हो, उसी के विरोध में आज हम यहाँ शहीद स्मारक पर गांधी जी की प्रतिमा के सामने भगवान प्रभु श्री राम से ही ये विनती करने सब मौन सत्याग्रह बैठे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को और माननीय हेमंत विश्व शर्मा जी जो असम के मुख्यमंत्री हैं उनको सद्बुद्धि दे, ताकि वो सब हर व्यक्ति को न्याय का हक दे सके और न्याय के हक के साथ साथ भगवान राम कोई भारतीय जनता पार्टी के पेटेंट नहीं है। भगवान राम कण कण में है, वो हर भारतीय के दिल में है और हर भारतीय को भगवान राम की पूजा करने का हक है। इसलिए राहुल जी को जो उन्होंने मंदिर में जाने से रोका है वो अन्याय है और जब तक न्याय का हक नहीं मिलेगा हमारा सबका संघर्ष पूरे देश की कांग्रेस पार्टी का, अलवर जिले की कांग्रेस पार्टी का अन्याय के खिलाफ चलता रहेगा। और अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह अयोध्या उत्सव के उपलक्ष्य में सोमवार रात्रि शहर जगमगा उठा।
मंदिरों एवं आश्रमों में ही नहीं अन्य स्थानों पर भी लाइटिंग के साथ दीप जलाए गए। अयोध्या उत्सव के क्रम में शहर के मंदिरों और अन्य स्थानों पर भव्य सजावट हुई। सोमवार रात्रि मंदिरों और घरों में दीप जगमगा उठे। सैयद दरबार सत्संग समिति की ओर से मोती डूंगरी स्थित हनुमान मंदिर एवं सैयद बाबा की दरगाह पर दीपक जलाकर देव दिवाली मनाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। उधर जयपुर रोड स्थित श्री अयोध्या धाम आश्रम में महाआरती हुई। आश्रम को दीपकों से सजाया गया और आतिशबाजी की गई। वहीं होप सर्कस को दीपावली पर्व की तरह आकर्षक लाइट्स से सजाया गया। अलवर में घंटाघर का नजारा भी अनोखा था। इसके अलावा बजाजा बाजार के व्यापारियों एवं भक्तों की ओर से बाजार में सजावट की गई। उधर चूड़ी मार्केट विकास समिति ने देव दीपावली उत्सव मनाया। इस दौरान समिति के पदाधिकारी और क्षेत्र के नागरिक मौजूद रहे। उधर शहर के वार्ड 63 स्थित शिवाजी पार्क में सजावट हुई। यहां वार्ड पार्षद धारा सिंह और निवासी ने पूरे वार्ड को लाइटिंग से सजाया। इसके अलावा आतिशबाजी के साथ ही प्रसाद वितरण किया गया। कुल मिलाकर रामलला के अयोध्या स्थित अपने मंदिर में विराजमान होने का हर्ष जिले भर में नजर आया। और वहीं अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में मोहना बाबा की प्याऊ के सामने स्थित हनुमान मंदिर में आयोजन किए गए 2 दिवसीय कार्यक्रमों का मंगलवार को समापन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय व्यापारियों और भक्तों ने महाआरती की, साथ ही श्रद्धालुओं के लिए खीर का प्रसाद वितरित किया गया। दुकानदार अर्पित कुमार ने बताया कि मंगलवार को रामायण पाठ समापन पर हवन यज्ञ भी किया गया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव में सारे दुकानदार सभी के सहयोग से हनुमान जी के मंदिर पे कल रामायण पाठ बैठाए गए हैं, जिसका आज समापन हुआ है और खीर प्रसादी का प्रसाद वितरण किया जा रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में सोमवार शाम से लेकर रात्रि तक कार्यक्रमों का दौर चलता रहा। वहीं मंदिरों में विशेष कार्यक्रम हुए। घंटाघर स्थित पंसारी बाजार में हनुमान मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। महाआरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। उधर सोमवार शाम को त्रिपोलिया मंदिर में महाआरती संपन्न हुई। इसमें भक्तों ने दीपक लेकर भगवान शिव के समक्ष आरती की। इसके अलावा प्रसाद वितरण किया गया। यहाँ बैंड बाजों एवं दीपकों के साथ महाआरती की गई। और वहीं पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने तीजकी स्थित मंदिर में भगवान श्री वाल्मीकि की पूजा की। इसके बाद यहां उपस्थित बंधुओं का माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया गया। साथ ही 2 स्वच्छकारों के चरण धोकर व्यसन मुक्त रहने का संकल्प दिलाया गया। और वहीं अयोध्या में नव निर्मित श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के नेतृत्व में पूजा अर्चना हुई। इसमें कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। मिश्रा ने बताया कि शांति कुंज मोड़ के पास स्थित श्री हनुमान मंदिर में जय सियाराम के उद्घोष के साथ पूजा अर्चना की गई। वहीं हनुमान चालीसा के पाठ सहित भगवान श्री राम एवं हनुमान जी की आरती के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर राजेंद्र पाल शर्मा, राम बहादुर तंवर, फूलचंद शर्मा, हरिराम यादव, रिपुदमन गुप्ता, जयदीप आर्यन और पंकज शर्मा सहित कमलदास बापू एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। और वहीं बाबा अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति द्वारा अयोध्या में जानकी रसोई भंडारे का आयोजन जारी है। इसके लिए अलवर से सामग्री के वाहन भेजे गए थे, जिसमें स्थानीय श्रद्धालुओं का सहयोग रहा। उधर समिति के पदाधिकारियों ने सोमवार रात्रि के दृश्य भेजे हैं, जिनमें आप अयोध्या का अलौकिक दृश्य देख सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के क्रम में अपना घर शालीमार में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने 7100 दीप जलाए। इस कार्यक्रम में रजनीश बांगा, मैत्री पालावत, मनीषी बारेट, जानकी देवी, हरिकिशन खत्री, धीरज लिखियानी और सुरेश कुकरेजा आदि शामिल हुए। आरंभ में बच्चों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, साथ ही भक्ति गीतों पर राम भक्त थिरक उठे। अंत में प्रसाद वितरण हुआ और आतिशबाजी की गई। बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है आज। ये आज की ये पीढ़ी, आज का जो ये समाज देख रहा है, ये बड़ा भाग्यशाली है कि इनके समय में ये समय आया है। वरना ना जो पीढ़ियां गई हैं उन्होंने देखा,
ना आने वाली पीढ़ियां शायद देख पाएंगी। जो आज का दिन बना है ये ऐसा दिन नहीं बनेगा। ऐसा लग रहा है जैसे हम त्रेता युग में पहुंच गए हैं और श्री राम जन्म उत्सव मना रहे हैं। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार श्री राम जब आए थे इसी तरह का उत्सव मना होगा। आज हमने शालीमार में 7100 दीपक जलाकर, पूरी दीपमाला जलाकर सभी शालीमार वालों ने हमने मिलजुल कर, विशेषकर मैत्री जी का बहुत ये अगवा है, इन्होंने ये बीड़ा उठाया और इन्होंने ये दीपमाला का आयोजन किया और सभी के सहयोग से हम आज ये इतना भव्य प्रोग्राम करने जा रहे हैं। रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अलवर में मंडी मोड़ के पीछे विशाल कलश यात्रा निकाली गई। इसका आयोजन विश्वकर्मा पांचाल महासभा समिति, मंदिर समिति एवं युवा संगठन ने किया। इस मौके पर अध्यक्ष जगमोहन सहित पूरण, बाबूलाल, लालाराम, महेश, जीतू और जगदीश आदि उपस्थित रहे। उधर सूर्य नगर मेव छात्रावास एवं बिजली घर के पीछे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में पूजा हुई। वहीं सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। अरावली विहार के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने यह आयोजन किया। इस मौके पर नरेंद्र अविनाश, श्याम बाबू शर्मा, नरेश कुमार शर्मा और यशस्विनी शर्मा आदि श्रद्धालु मौजूद रहे। अलवर डेयरी में उठा पटक का दौर जारी है। जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के अध्यक्ष विश्राम गुजर की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को भी संचालक मंडल के 7 सदस्य सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार के समक्ष पेश हुए। साथ ही उन्होंने अध्यक्ष पर संस्थान को घाटे में पहुंचाने के आरोप लगाते हुए पद से इस्तीफा देने का प्रपत्र प्रस्तुत किया। उधर इसे लेकर रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग द्वारा संबंधित संचालक मंडल के सदस्यों को नोटिफिकेशन भी जारी करने की सूचना है। इस दौरान डेयरी के अध्यक्ष रहे रामफल गुजर सहित संचालक मंडल के अन्य सदस्य इस्तीफा देने के दौरान मौजूद रहे। गौरतलब है कि सभी 7 सदस्य अतिरिक्त रजिस्ट्रार भरतपुर खंड इंदर सिंह के समक्ष प्रस्तुत हुए। इसके अलावा उन्होंने एक पत्र अलवर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के MD को प्रेषित किया है। इनमें सुनीता गुप्ता, कैलाश चंद, कमला देवी, शिवलाल मीणा, रामफल गुजर, अजीत सिंह और मीनाक्षी देवी शामिल हैं। पत्र में आगामी कार्यवाही एवं संचालक मीटिंग की बैठक को सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। गौरतलब है कि अध्यक्ष विश्राम गुजर अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नजदीकी माने जाते हैं। वह अपनी कुर्सी को बचाने के प्रयास में जुट गए हैं। बढ़ते अगले खबर की ओर, जहां गणतंत्र दिवस के मद्देनजर अलवर स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। प्रधान सुरक्षा आयुक्त ज्योति सतीजा के नेतृत्व एवं वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त भवप्रीता सोनी के पर्यवेक्षण में यह अभियान चला। इस दौरान RPF थाना प्रभारी नीतू बैरागी ने स्टाफ सदस्यों एवं श्वान दस्ते के साथ प्लेटफॉर्म 1 से 3 तक चेकिंग की। इस दौरान रिजर्वेशन कार्यालय, फुट ओवर ब्रिज, प्रवेश द्वार, पार्सल कार्यालय और सर्कुलेटिंग एरिया का निरीक्षण किया गया। साथ ही अनेक सवारी गाड़ियों का भी निरीक्षण हुआ। वहीं कोई भी संदिग्ध व्यक्ति और सामान नहीं मिला। और वहीं 74वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां इंदिरा गांधी स्टेडियम में चल रही हैं। मंगलवार को स्कूली बच्चों की PT परेड हुई। वहीं पुलिस, होमगार्ड, RAC के जवान एवं पुलिस बैंड सहित NCC कैडेट्स और स्काउट गाइड्स परेड की रिहर्सल कर रहे हैं। पुलिस निरीक्षक विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में परेड की तैयारी की गई। उधर शारीरिक शिक्षक अरुण जोशी ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर राजस्थान पुलिस और NCC स्काउट गाइड, आप होमगार्ड के बच्चे जो जवान हैं वो यहाँ पे सुबह जो पहला सत्र होता है उसमें मार्च पास्ट के अभ्यास कर रहे हैं। उसके बाद 10 बजे से 2 बजे तक का बच्चों का सामूहिक व्यायाम का अभ्यास चक्र चल रहा है। बहुत ही सुंदर एक कार्यक्रम हम सब के प्रयास से प्रस्तुत किया जाए। क्या नवाचार इस बार रहे? इस बार नवाचार सामूहिक अभ्यास में ये है कि हमने जो फॉर्मेशन थी बच्चों की वो चेंज करके सूर्य की किरणों के ऊपर हम खड़ा करेंगे और सारा का सारा जो सामूहिक व्यायाम है वो डंबल के साथ कराया जाएगा। NAB थाना क्षेत्र में एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पता लगा कि करण साहू और विनीत जांगिड़ दोनों पक्के दोस्त थे, लेकिन गत वर्ष इनमें आपसी विवाद हो गया था। पीड़ित युवक करण की मां रवीना ने बताया कि कुछ दिन पहले विनीत ने उनके पुत्र को धमकी भी दी थी। जब रवीना उसके परिजनों को यह बात बताने गई तो उसे भी धमकाया गया। इसके बाद 60 फीट रोड साहू कॉलोनी में शनि मंदिर के पास विनीत जांगिड़ और उसके एक साथी ने मारपीट कर करण साहू को घायल कर दिया।
यह भी आरोप है कि विनीत जांगिड़ ने मारपीट करने के बाद एनएबी थाना में मामला दर्ज करवा दिया, जबकि मारपीट करण साहू के साथ हुई थी। भैया एक दो बार ने ना धमकी दिया, वो विनीत तो लड़का ने एक दो बार धमकी दिया, हमने सोचा ऐसे बोल रहे होगा, कुछ नहीं करता ऐसे धमकी देता। जब उसने तो कल इसको पकड़ के बहुत मारा और एक जान से मारने की कोशिश करा, और ऐसे रोड लेकर आए और चुपचाप पीछे से तो रोड मारे, एक पीठ में मारे और फिर का गोडा गड्ढा तोड़ दिए, या का रोड मारे, ईंट उठा के भी मारे, जान से मारने का कोशिश करा। देख लो धमकी तो उसकी दादी सबसे ज्यादा, वकी दादी ने ये मैं गई कहने के लिए, जब देखो आप लड़का को समझा लो, यानी ऐसे बोला नहीं, ऐसे बोल नहीं सकता, बोल नहीं सकता। उस लड़का ने ऐसे बोला यूँ करा, हाँ मैंने धमकी दिया, क्या कर लोगे, मैंने पहले दी कम से 15-20 दिन पहले दी। अभिनीत है उसका नाम, फिर बेटा हमारा करण है, इस मामला को लेकर धमकी दी। उसकी लड़की मतलब जिस छोरा से प्यार करता है ना, उसकी उसके साथ वो खुद मर्जी से गई घूमने के लिए, और फिर नू कहे ऐसे बोल रहे तेरे लड़का को पता है, तेरा दोस्त है उसको पता है, और वो सरकारी गवाह बनेगा, और सरकारी गवाह ना बनेगा ना तो उसको भी जान से मरवा देंगे, गोली चलेगा हमारे घर। एक दिन गई भी कहने के लिए, नू कह रहे हम ना डरे किसी से, हम एक फोन करेंगे ना 10 लड़के आ जाएंगे। मालवीय नगर आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पथ संचलन निकाला गया। विद्यार्थियों ने घोष वादन करते हुए संचलन प्रारंभ किया। इसे विद्या भारती संस्थान के शहर मंत्री विजय सिंह फौजदार, आदर्श शिक्षा समिति के जिला सचिव सतीश चंद्र शर्मा, प्रबंधन समिति के संरक्षक श्यामलाल गुप्ता और व्यवस्थापक बालकृष्ण शर्मा ने हरी झंडी दिखाई। पथ संचलन रूपबास, भारत नगर, श्रीराम कॉलोनी और जगन्नाथ जी मंदिर रूपबास सहित मालवीय नगर होते हुए वापस विद्यालय पहुंचा। मार्ग में कई जगह लोगों ने पथ संचलन का स्वागत किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य सहित स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। सुभाष जयंती है, इस अवसर पर आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय से पथ संचालन किया गया है, और उन्हें बताया गया है कि सुभाष चंद्र जो कि तलवार और विद्या दोनों के धनी थे, ऐसे व्यक्ति के लिए हम एक पथ संचालन करके उनके प्रति हम कृतज्ञता कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहना ज्यादा उचित नहीं होगा, क्योंकि वो तो अपने आप ही में एक वक्तव्य हैं, और उनके बारे में सभी जानते हैं कि आजादी के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया। ये बात गलत है कि वो लोग प्लेन में मर गए, लेकिन उनके लिए जरूर कोई ना कोई षड्यंत्र था, वो आज तक रहस्य बना हुआ है, और शायद ये सरकार उस रहस्य को पर्दाफाश भी कर दे, और उसके लिए हमारी जो मोदी सरकार है उसके लिए बिल्कुल कृतज्ञ है, वो सुभाष चंद्र के प्रति पूरी कृतज्ञता दर्शा रही है। विद्या भारती द्वारा संचालित देश भर के विभिन्न विद्यालयों में आज के दिन जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है तो पथ संचलन निकाला जाता है। इसके माध्यम से यह प्रदर्शित किया जाता है कि नेताजी के आंदोलन के बिना यह देश स्वतंत्र नहीं हो सकता था। उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए आदर्श विद्या मंदिर मालवीय नगर से आज पथ संचलन निकाला गया। श्री सराफा व्यापार समिति की ओर से मंगलवार को अग्रसेन मार्ग स्थित अग्रवाल धर्मशाला में 7वां रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में पदाधिकारियों एवं सराफा व्यापारियों ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। वहीं रक्तवीरों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समिति अध्यक्ष दीपक गर्ग एवं संयोजक कमलेश रावत के अनुसार हर साल की तरह गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 7 साल पहले 26 जनवरी के दिन ही सराफा व्यवसायी सुरेश गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी याद में भी यह शिविर लगाया जाता है। श्री सराफा व्यापार समिति की तरफ से 7वां रक्तदान शिविर का आयोजन आज 23 जनवरी 2024 को श्री अग्रवाल महासभा बस स्टैंड के सामने अलवर पर रखा गया है। 9 से 3 बजे तक का समय है। हर बार की तरह हमें उम्मीद है कि 100 यूनिट प्लस रक्तदान हम लोग इकट्ठा कर पाए। किस उद्देश्य से करते हैं? उद्देश्य 26 जनवरी का रहता है, और इसी दिन हमारे ज्वेलर भाई का गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, तो उनकी स्मृति भी बनी रहती है। समिति द्वारा ये सप्तम रक्तदान शिविर है। रक्तदान महादान के स्लोगन को अपने दिमाग में रखते हुए ये हमने 7 साल पहले रक्तदान का शिविर आयोजित किया था। इसको कंटिन्यू सभी सराफा व्यापार समिति के सदस्यों के सहयोग से
चालू रखने का हमारा प्रोग्राम है आगे भी। और सभी से निवेदन है कि रक्तदान शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्तदान करके इस शिविर को सफल बनाएं। जब दोनों पति पत्नी करते हो रक्तदान? पहले तो ये भी करते थे। अच्छा, अब बेटी भी कर रही है। बेटी ने तो महिलाओं के लिए, अग्रवाल समाज की महिलाओं के लिए संदेश क्या है? महिलाओं को करना चाहिए, यदि उनका ब्लड ग्रुप यदि सही है और वो अपने दे सकती हैं तो। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा दोस्त को प्याज मंडी नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शमोदयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। हीरे सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स बजाजा बाजार अलवर। चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स बजाजा बाजार अलवर। फोन नंबर 01442338653 एंड 2338663। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में पिछले एक हफ्ते से शीतलहर और कोहरे का प्रकोप बना हुआ है, इससे फसल को खासा नुकसान हो रहा है। वही सरसों की फलियों पर बर्फ की चादर जम जाने से दाने खराब हो रहे हैं। इसके साथ ही चने और तारामीरा की फसल को भी भारी नुकसान हो रहा है। साथ ही तेज सर्दी में मटर, टमाटर और बैंगन जैसी सब्जी की उपज को भी नुकसान है। इस वजह से काश्तकार चिंतित बने हुए हैं। और वहीं अकबरपुर में फिर से मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है। मंगलवार को सुबह से ही कोहरा छाया रहा, शीतलहर के चलते जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। कोहरे के चलते कुछ दूरी पर देखना भी मुश्किल हो जाता है। साथ ही क्षेत्र के किसानों को फसलों में पाला पड़ने का डर सता रहा है। इसके अलावा लोग अलाव के जरिए सर्दी दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। कस्बे के बाजारों में भी सन्नाटा पसरा रहा। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो आज अचानक मौसम परिवर्तन के बाद कोहरा देखने को मिल रहा है। जहां अगर आप कोहरे की बात करें तो चारों ओर धुंध छाया हुआ है और कुछ ही दूरी पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कल कुछ मौसम में परिवर्तन भी देखने को मिला था। धूप थी और दो दिनों की धूप के बाद और मौसम साफ था, लेकिन आज फिर अचानक कोहरे ने अपनी दस्तक दे दी है और कोहरे अब धीरे धीरे सुबह से ही पांव पसारने लगा है। कोहरे के चलते सर्दी भी में बढ़ोतरी काफी देखने को मिली है। ऐसे में अगर किसानों की फसलों की बात करें तो टमाटर है, मटर, सेम और जो बैंगन की फसल है उनमें खराब होने का डर है, क्योंकि पाला पड़ने से ये फसल खराब हो सकती है। वहीं सरसों की फसल में भी पाला पड़ने का डर लगा रहता है। लेकिन अब ये जो कोहरा धीरे धीरे तेज हो रहा है, तो ऐसे में जो वाहन चालक है वो
अपने वाहनों को भी लाइट जलाकर धीरे धीरे रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। आज अचानक कोहरे ने फिर से दस्तक दी है। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, एटीएल न्यूज, अलवर। हल्दीना क्षेत्र में नई सड़क बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत निर्माणाधीन सड़क के छोर पर आने वाले पक्के मकान को जेसीबी से तुड़वाया गया है। इसे हटाने में ग्रामीणों ने सहयोग किया है। सरपंच सुनील कुमार ने बताया कि मालाखेड़ा से बगड़ का तिराहा तक यह सड़क हल्दीना, जातपुर और मीनापुर होते हुए बन रही है। सड़क निर्माण के लिए हल्दीना पंचायत द्वारा यहाँ मुख्य आबादी से कच्चा पक्का निर्माण जेसीबी के जरिए हटाया गया। इस रास्ते की चौड़ाई 20 फुट की गई है। गोला कबास में पंचायती मंदिर से कलश यात्रा एवं राम दरबार की शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान शिव के जलाभिषेक के बाद यह शोभा यात्रा पंचायती मंदिर में सामूहिक आरती के साथ संपन्न हुई। पंडित शिम्भू दयाल ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धर्म ध्वज पताका एवं कलशों का पूजन करवाया। वहीं पंडित लाडली शरण कौशिक, दुधाराम सैनी, सुरेश शर्मा, गंजिया गिरराज और प्रसाद अग्निहोत्री आदि ने यात्रा को रवाना किया। मार्ग में कई जगह पुष्प वर्षा की गई। शिवालय में महिला श्रद्धालुओं ने कलश के जल से शिवजी का अभिषेक किया, साथ ही सामूहिक आरती की गई। केरवावाल के ग्राम खरखड़ा स्थित श्री सीताराम जी मंदिर में सोमवार रात्रि दिव्य और भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ श्री रामचरितमानस के पाठ संपन्न होने के बाद शोभा यात्रा निकाली गई। खास बात यह रही कि इसमें सभी जाति धर्मों के लोग शामिल हुए। इस तरह यहां भाईचारे की मिसाल नजर आई। पंचायत समिति सदस्य ओमवती राजेश कुमार ने बताया कि शोभा यात्रा में श्रद्धालु भगवान श्री राम के भजनों पर नाचते गाते हुए शामिल हुए। बाद में सभी को प्रसाद वितरित किया गया। माचाड़ी स्थित श्री नंगेश्वर धाम के स्थान पर माधवदास महाराज के सानिध्य में श्री रामचरितमानस पाठ का समापन हुआ। यहाँ 108 जोड़ों ने आहुति देकर हवन यज्ञ किया। वहीं भगवान श्री राम की मनमोहक झांकी सजाने के साथ ही ध्वज चढ़ाया गया। इसके अलावा रात्रि को सजावट कर दीपावली की तरह त्योहार मना। इस मौके पर पूजा अर्चना के बाद दिनेश यादव ने सभी साधु संतों का सम्मान किया। वहीं विशाल भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस कार्यक्रम में संत गोपालदास, रघुनाथ दास, हरिदास, ओमदास, रामदास, धर्मदास, श्यामदास और कृष्णदास आदि का सानिध्य रहा। उधर श्री नंगेश्वर धाम में विधि विधान से भगवान श्री राम दरबार की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस कार्यक्रम में किशन चंद बटवाड़ा, हाबूराम सैनी, डॉक्टर श्याम सुंदर मीणा, राम गोपाल, मनोहर लाल और छोटेलाल सैनी आदि भक्त उपस्थित रहे। नंगेश्वर धाम आश्रम माचाड़ी उनके उपलक्ष्य में यहाँ प्रोग्राम हो रहा है। 24 घंटा की रामायण का पाठ हुआ और जो कहे हवन यज्ञ हुआ, सुंदरकांड का हवन चल रहा है 108 जोड़ा का। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मंदिर के अयोध्या में हुए उद्घाटन के उपलक्ष्य में मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के सभी मंदिरों को सजाया गया। साथ ही देव दिवाली मनाकर सभी देवताओं की पूजा अर्चना की गई। वहीं घरों में भी विशेष पूजन हुआ एवं दीप जलाए गए। साथ ही जमालपुर गांव में सीताराम जी के मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान जय श्री राम के जयकारे गूंज उठे। यहाँ मंदिरों में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण हुआ। उधर स्टेट हाईवे 44 स्थित श्याम गंगा स्टैंड पर मंगलवार को प्रसाद वितरण किया गया। यहाँ सुबह भगवान श्री राम और उनके भक्त श्री हनुमान जी के चित्र के समक्ष पूजा अर्चना की गई और उन्हें भोग लगाया गया। इसके बाद महाआरती में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। समाज सेवी नरेंद्र सिंह ने बताया कि पूरे क्षेत्र में एक हफ्ते से विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं आतिशबाजी का नजारा भी मालाखेड़ा में कई जगह दिखा। यहाँ कस्बे के मंदिर जगमगाते रहे। इसके अलावा सोहनपुर स्थित सीताराम जी के मंदिर में श्री रामचरितमानस और सुंदरकांड के पाठ किए गए। वहीं रात्रि को आतिशबाजी की गई। और वहीं अकबरपुर कस्बे में अयोध्या रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दीपावली जैसा माहौल देखने को मिला। रात्रि में राम भक्तों ने डीजे के साथ नाचते हुए खुशी जताई। इसके अलावा जमकर आतिशबाजी की गई। वहीं घरों और मंदिरों में दीप जलाए गए। राम भक्तों ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। रामायण पाठ का आयोजन करवाया था हमारे मंदिर में। उसके बाद में उसके नेक्स्ट डे हमने भंडारे का आयोजन किया। यानी उसके बाद हमने रैली का आयोजन किया। रैली निकाल के पूरे गांव वालों ने, हमारे हिंदुओं ने, सभी ने एक साथ मिलकर मजबूती से रैलियों को आगे बढ़ाया।
उसके बाद में डेली समापन के और प्रसाद वितरण किया। यानी उसके बाद में हमने शाम को घर घर जाकर प्रसाद वितरण किया और सभी ने घर पे दिए जलाए, लाइट जलाई, बहुत हर्षोल्लास से हमने राम जी का वो बनाया। कितने दीपक जलाए थे घरों में? हमने एक घर में 51 दीपक जलाने का वो रखा था और मंदिर में हमने सभी घरों से 5-5 दिए जलाए। भाजपा नेता एवं बांसुर विधायक देवी सिंह शेखावत ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अनेक मंदिरों में पूजन किया। वे बांसुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में अपनी धर्म पत्नी के साथ पहुंचे, साथ ही आरती में शामिल हुए। इस अवसर पर भाजपा के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उधर राजगढ़ के सकट स्थित मंदिरों में मंगलवार को पौष बड़ा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। यहाँ श्री रामेश्वर धाम, वीर हनुमान, बांके बिहारी जी एवं रघुनाथ जी मंदिर में विभिन्न कार्यक्रम हुए। बांके बिहारी मंदिर में महिला श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन किए, साथ ही रघुनाथ जी मंदिर में संगीतमय सुंदरकांड के पाठ आयोजित किए गए। इसके अलावा रामेश्वर धाम, वीर हनुमान मंदिर में भजन संध्या सम्पन्न हुई। महंत रमाकांत जयमन ने बताया कि इस मौके पर गायक पप्पू सोनी ने गणपति वंदना के साथ शुभारंभ किया। वहीं बाबूलाल चौबे, हरिशंकर जयमन, मधुसूदन पांचाल और ओमी सैनी ने भगवान श्री राम, हनुमान जी एवं खाटू श्याम जी के भजन प्रस्तुत किए। अयोध्या में भगवान श्री राम प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में कठुमर कस्बे में विधायक रमेश खींची के मुख्य आतिथ्य में समारोह हुआ। यहां भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई और 15 कार सेवकों का सम्मान किया गया। विधायक खींची ने 22 जनवरी को राष्ट्रीय राम महोत्सव घोषित करने की मांग उठाई और कहा कि इसे लेकर पत्र अभियान शुरू किया जाए। इससे पूर्व झोपड़ी वाले सीताराम मंदिर से बैंडबाजे के साथ आकर्षक झांकी और भगवान रामचंद्र की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान भक्त जमकर नाचे और जय श्री राम के जयकारे लगाए। वहीं संघ प्रचारक नन्नू सिंह, खेमचंद शर्मा, पालिका चेयरमैन शेर सिंह मीणा, भाजपा नेता गोपेश भारद्वाज, मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज और अशोक जैन आदि ने व्यवस्था में सहयोग किया। उधर कठुमर कस्बे के सीताराम मंदिर में 56 भोग की झांकी सजाई गई। इसके अलावा गणेश मंदिर, धुंधकुटी, हनुमान मंदिर, धौलागढ़ देवी और घाटा भावर मंदिर पर लाइटिंग हुई। इसके अलावा तसई, टीकरी, टिटपुरी और बड़का में हवन के साथ ही शोभा यात्रा निकाली गई। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती ग्राम रायपुर खुर्द में श्री श्याम बालाजी सेवा मंडल ने मासिक संकीर्तन किया। यहाँ श्री राम एवं बालाजी मासिक संकीर्तन महोत्सव का आयोजन सोमवार रात्रि संपन्न हुआ। कीर्तन से पूर्व भंडारे का आयोजन संतुलाल प्रजापत द्वारा किया गया। मंडल के सदस्य रोहित और पुष्पेंद्र ने बताया कि श्री मेहंदीपुर बालाजी के गुरु वेद प्रकाश महाराज के सानिध्य में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर श्री राम का भव्य दरबार सजाया गया। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर, यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड जसवंत राय से पहले कटी घाटी अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जी प्योर का लाल मिर्च पाउडर, और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जी प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे, ऐसा जी प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर, जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ौदा में कस्बे के मनीष कुमार शर्मा ने दिल्ली से श्री राम मंदिर अयोध्या तक दंडवत यात्रा की है। यात्रा के पूरी होने पर ब्राह्मण समाज द्वारा यहां स्थित पुजारी के मंदिर पर स्वागत किया गया। पागल बाबा के नाम से प्रसिद्ध मनीष शर्मा ने दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र स्थित मंदिर में पूजन कर अयोध्या के लिए दंडवत यात्रा प्रारंभ की थी।
यात्रा पूर्ण होने पर पहली बार वे सोमवार को अपने गांव पहुंचे। यहां उनका भगवा शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया गया, साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाला गया। ब्राह्मण परिवार में जन्मे श्री मनीष शर्मा, पुत्र श्री विनोद कुमार शर्मा, जो कि अयोध्या दिल्ली से और अयोध्या तक जिन्होंने दंडवत परिक्रमा दी और उन्होंने संन्यास धारण कर लिया, वो हमारे मध्य पधारे और हमने सभी गांव के गांववासियों ने और ब्राह्मण समाज के सभी लोगों ने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया और सभी ने चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। जिले के नौगांवा में अयोध्या जैसा उत्सव मनाया गया। यहां महिलाओं ने 561 कलशों की शोभायात्रा निकाली, साथ ही 20 से अधिक झांकियां निकाली गई। श्रीराम कला मंच के प्रधान राजू सोनी के अनुसार सोमवार की शाम धर्म नगरी नौगांवा को लाइट एवं दीपकों से सजाया गया। वहीं दिल्ली रोड स्थित अकिंचन कुटी पर कलश पूजन के बाद करीब 12,000 राम भक्तों ने शोभायात्रा निकाली। वहीं बस स्टैंड स्थित हनुमान मंदिर परिसर पहुंचने पर प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान धर्म प्रेमियों ने अपनी अपनी दुकानों के आगे स्टॉल लगाकर हलवा, पौष बड़ा और मिठाइयां आदि वितरित किए। स्थानीय स्कूल परिसर में भजन संध्या का आयोजन भी हुआ। वहीं विभिन्न तरह की झांकियां सजाने वालों को संस्थाओं ने पुरस्कृत किया। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर नौगांवा नगरी, पूरी अयोध्या नगरी सजकर के तैयार हो गई है। उसके उपलक्ष में जैन समाज नौगांवा की ओर से भंडारे का आयोजन किया गया है। सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, पूरे नौगांवा के आसपास के सारे गांव के वासियों का आज इस जुलूस में पूरे इकट्ठे हुए और बहुत शोभा यात्रा में शामिल हुए। उधर शेरपुर मंदिर परिसर में सजावट की गई। यहां बाबा लालदास जी की पूजा अर्चना के साथ प्रसाद वितरण हुआ। इसके अलावा रामलला मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को सभी ने एलईडी पर देखा। धर्म नगरी नौगांव के अंदर श्री श्री भगवान श्री राम की शोभा यात्रा बहुत ही भव्य रूप में निकाली गई। यह शोभा यात्रा देवी रोड अकिंचन कुटी से प्रारंभ होकर सरकार स्कूल के अंदर पहुंची। इस यात्रा के अंतर्गत 561 कलश महिलाएं लेकर और साथ में 521 झाड़ू महिलाएं लेकर इस शोभा यात्रा के अंदर चली। उसके साथ साथ शोभा यात्रा के अंतर्गत बहुत ही भव्य सुंदर सुंदर झांकियां प्रस्तुत की गई। नौगांवा में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में एमएम क्रिकेट प्रतियोगिता जारी है। इस दौरान हुए मैचों में डाबरी क्रिकेट क्लब और स्टार क्रिकेट क्लब ने जीत हासिल की। साथ ही सुरेश गुजर ने श्रेष्ठ खिलाड़ियों को इनाम दिए। कमेटी के सदस्य राजा राम गुजर ने बताया कि फाइनल मैच 26 जनवरी को होगा। इस मौके पर जगीर सिंह, सुरेश गुजर, कालू चौहान, अमरजीत सिंह आदि मौजूद रहे। टूर्नामेंट का आज हमारा तीसरा राउंड का मैच था, जिसकी हमने लालपुर को हराकर टूर्नामेंट मैच जीत लिया है, जो कि बहुत ईमानदारी से मैच हो रहे हैं। कमेटी बहुत अच्छी है यहाँ की और बहुत ही अच्छा सिस्टम, मतलब जो भी है ईमानदारी से जो सब कुछ हो रहा है एक नंबर, और हम क्वार्टर फाइनल में पहुँच चुके हैं। अब अगला मैच हमारा कब है, कल है या परसों है, ये कमेटी बताएगी। और मैं अपनी टीम से आशा करता हूँ कि फाइनल हम ही जीते यहाँ के। और अब नजर डालते हैं खैरथल तिजारा जिले की खबरों पर। कोटकासिम थाने में दर्ज रेप के एक मामले में पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। पीड़िता ने उसके साथ बलात्कार एवं जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की जांच किशनगढ़ बास डीएसपी सुरेश कुड़ी कर रहे हैं। वहीं आरोपी को पकड़कर पुलिस ने 2 दिन का पीसी रिमांड प्राप्त किया। रिमांड पूरा होने पर न्यायालय ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। कोटकासिम थाने पर पीड़िता अपनी मम्मी के साथ उपस्थित हुई और मुकदमा और शिकायत दर्ज करी कि मेरे साथ में करसन लादी उर्फ लादेन और उसके एक अन्य दोस्त ने लगातार कई जगह पर ले जाकर बलात्कार किया और डरा धमकाया, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश की गई। करसन लादी जो हत्या सहित अन्य संगीन मामलों में खुली जेल अलवर में रह रहा था, उसको दस्तियाब किया गया। दस्तियाब करने के बाद में मुकदमे में गिरफ्तार करके और माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसको आज जेसी भेज दिया गया। खैरथल कस्बे के दांतला रोड स्थित लाडले महल में मूर्ति स्थापना के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया।
महंत शशि भूषण कल्याण मिश्र ने बताया कि मंदिर में दर्शन के लिए विधायक दीपचंद खैरिया, पूर्व डीजीपी उमेश मिश्रा और एसपी सुरेंद्र सिंह भी पहुंचे। भंडारे का आयोजन दिन भर चला। ये जो श्री लाडली महल का जो उद्घाटन हुआ है लोकार्पण, ये अपने दादाजी और पिता गुरु जी की स्मृति में, हमारे माता जी की विशेष इच्छा थी और उन्हीं के आशीर्वाद से, और अपने जो मेरे प्रिय शिष्य हैं उमाशंकर जी है, सुनीता, अनिल गुप्ता और तारामणि है, सुनीता है, इन सबों के अथा प्रेम और सहयोग से लाडली महल का जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था, उसका आज अपनी माता जी के द्वारा भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के श्री चरणों को अर्पित कर दिया गया है। तिजारा के अंबेडकर भवन में विकसित भारत संकल्पित यात्रा शिविर लगाया गया। इसका शुभारंभ उपखंड अधिकारी अनूप सिंह और नगर परिषद आयुक्त सुरेश मीणा ने किया। यहां पीएम किसान सम्मान निधि के तहत ई केवाईसी और आधार से खाते को लिंक करने आदि के कार्य भी किए गए। इसके अलावा केंद्र की अनेक योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान सभापति झब्बू राम सैनी, तहसीलदार बसंत परसोया, कनिष्ठ अभियंता सौरभ पायल, मंडल अध्यक्ष बने सिंह गुजर, देशपाल यादव आदि उपस्थित रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कैंप आयोजित किया गया था, जिसमें सभी क्षेत्रों की 17 योजनाएं थे, जिनमें पीएम आवास, पीएम स्वनिधि, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला, सौभाग्य योजना आदि सभी लाभार्थियों को बेनिफिट भी दिए गए। साथ ही आयुष्मान योजना में इनका चेकअप भी किया गया है। वो कैंप 5 बजे तक चलेगा, जो भी लाभार्थी आएंगे या जो भी बेनिफिशियरी उनको लाभ मिलेगा। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की तिजारा उपशाखा ने यहां राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कर्तव्य बोध दिवस का आयोजन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष विशाल यादव ने बताया कि कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेश यादव मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि विद्यालय संस्कार के सबसे बड़े केंद्र होते हैं। उधर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जिला भिवाड़ी के कार्यवाहक अनिल गुप्ता ने मुख्य वक्ता के रूप में विचार रखे। उन्होंने विद्यार्थियों को चारित्रिक एवं मानसिक रूप से मजबूत बनाने पर जोर दिया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन के जिलाध्यक्ष रूप किशोर यादव ने की। इस अवसर पर प्रधानाचार्य मीरा मुखीजा और प्रधानाचार्य शाहनुल मुमताज सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। कठुमर क्षेत्र में श्री बेनामी संत आश्रम टिटपुरी में भागवत कथा के समापन पर भंडारा संपन्न हुआ। इससे पूर्व विधायक रमेश खींची ने आश्रम पर पहुंचकर कथावाचक एवं महंत गंगागिरी महाराज का आशीर्वाद लिया, साथ ही क्षेत्र की खुशहाली के लिए कामना की। भरतदास बाबा और श्री बेनामी संत आश्रम के महंत श्री शिव चेतन दास महाराज सहित व्यवस्थापक खेमदास महाराज भी उपस्थित रहे। इस भंडारे में अनेक पंचायतों के ग्रामीणों की सहभागिता रही। अयोध्या में श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में मंगलवार को पुराना स्टेशन रोड स्थित जय बालाजी ग्लास हाउस ने भंडारे का आयोजन किया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। यहां मौजूद हरीश सैनी ने बताया कि अयोध्या उत्सव के क्रम में जय बालाजी ग्लास हाउस के डायरेक्टर हेमंत सिंघल और सुनील सिंघल की ओर से भंडारे का आयोजन किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में जय बालाजी ग्लास हाउस के डायरेक्टर हेमंत सिंघल और सुनील सिंघल की तरफ से विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जो कि प्रातः सुबह 8 बजे से चलकर शाम को 7-8 बजे तक चलेगा, जिसमें प्रसादी ग्रहण करेंगे। 5 से 6 हजार लोगों को प्रसादी ग्रहण हुआ है, जिसमें कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ताओं ने, राम भक्तियों ने, सबों ने सहयोग किया है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। राहुल गांधी को मंदिर में नहीं जाने देने के खिलाफ हुआ मौन सत्याग्रह। शहीद स्मारक पर कांग्रेसियों ने दिया धरना। असम में हुआ था घटनाक्रम। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में जगमगाया अलवर और हुई महाआरती। जगह जगह आयोजनों की रही धूम। अलवर डेयरी में जारी है उठा पटक का दौर। 7 संचालकों ने इस्तीफे की पेशकश कर बैठक बुलाने की उठाई मांग। वहीं कुर्सी बचाने में जुटे विश्राम गुजर। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर घोष वादन के साथ निकला पथ संचलन। आदर्श विद्या मंदिर के विद्यार्थी हुए शामिल। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।